वहाँ पे गोल्डन महल है। पहले बहुत साल पहले हुआ करता था, मुझे तो नहीं पता ना, मैंने कभी देखा है। क्योंकि एक लड़की जो है गाना गा रही है और दूसरी लड़की उनकी वीडियो बना रही है, राइड कर रही है। मुझे तो बहुत डर लगता है। इस राइड पर उनका रेस्टोरेंट है और ये जो है सारी सिटिंग है इनकी। तो ये सारा बिजनेस यहाँ पे जो है, मेरा फूड इस टाइम आ चुका है, दो जो तवा पीस मैंने यहाँ, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ, आपको वीडियो में पहले भी बताया। गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी जो मैं आई हूँ बादशाही मस्जिद के पास, रेस्टोरेंट है यहाँ पे मेरे बिल्कुल सामने, हवेली रेस्टोरेंट। तो पीछे से जो है कवालियाँ वगैरह भी चल रही हैं, उसके बाद मैंने कहा चलो आज यहाँ आना चाहिए। तो ये मेरे सामने जो है हवेली रेस्टोरेंट, लेकिन आज जो है बाहर से इधर उधर भी देखूँगी अभी मैं क्या हो रहा है क्या नहीं, आगे जो जो मुझे नज़र आएगा खाने पीने का वहाँ से भी देख लूँगी। तो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, देखते रहेंगे, साथ में कुछ ना कुछ खाना भी जो है खाती रहूँगी। तो यहाँ पे कोई है जो शूज़ हमने तो ख़रीदने नहीं है, काफ़ी शॉपिंग जो है मैंने अपनी कर ली है। तो यहाँ जो है हवेली का रेस्टोरेंट है, जाऊँगी इधर अभी आज नहीं। तो यहाँ पे गोल्डन महल है, यहाँ पे एक मटका चाय वाले हैं, यहाँ से पी के जाऊँगी अगर तो दिल किया। और ये पता नहीं क्या है, शानी पान शान और ये सब कुछ इस साइड पे भी है। थोड़ा सा मसला इसलिए है क्योंकि जो सॉन्ग वगैरह लगे हुए वीडियो बनाने के लिए थोड़ा इशू होता है। गाइस फाइनली यहाँ से अब मैं कुछ मेन्यू है जो मंगवाने लगी हूँ। मैंने कहा चलो यहीं बैठ के कुछ ऑर्डर करवा देती हूँ अपने लिए, देखती हूँ आज बाइट जो है आउटसाइड पर बैठूँगी। तो ये इनका मेन्यू है अभी, तो मैं पहले पढ़ लेती हूँ, आप भी देख लें मेरे साथ साथ उतनी देर आप पढ़ें और आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। और ये इनका रेस्टोरेंट है और ये जो है सारी सिटिंग है इनकी। तो ये सारा व्यू है यहाँ का, बहुत अच्छा है, मेरा अच्छा और साफ़ सुथरा माहौल है। तो जी गाइस यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ की हमारी सिटिंग है और ये सामने जो है सारा बड़ा अच्छा और मज़ेदार सा माहौल है। और सामने ये जो है बादशाही मस्जिद है यहाँ पे। सभी जो है मैं आई हूँ अपना फोर्थ स्ट्रीट में मेन, तो मेन फोर्थ स्ट्रीट में आके जो मैंने अपने लिए ऑर्डर करवाया वो है तवा पीस। तो स्पाइसी चीज़ मैंने ऑर्डर करवा लेती हूँ, तो आज तवा पीस तो फर्स्ट टाइम ऑर्डर करवाया, लेकिन आगे फिर आऊँगी तो और कुछ भी खाऊँगी। तो यहाँ की जो है सिटिंग बहुत अच्छी और बड़ी साफ़ सुथरी थी, ना कोई किसी की तरफ देख रहा। अगर आप ही आना चाहें तो आप भी आ जाइएगा यहाँ पर। लाहौर की जो फूड स्ट्रीट है ये बिल्कुल बादशाही मस्जिद के सामने सामने जो है मस्जिद भी नज़र आ रही है, तो व्लॉगिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह लग रही थी। तो वो जो सामने हैं वो भाई गाने वगैरह गा रहे हैं, पता नहीं कब चुप होंगे, हमारा व्लॉग डिस्टर्ब हो रहा है इनकी वजह से। तो जी गाइस अभी जो मेरा रायता और जो सलाद है वो इस टाइम आ चुका है। तो अभी ये जो सारा व्यू है मेरे टेबल का, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह मैं दोबारा भी यहाँ पे जो है अपने नेक्स्ट व्लॉग शूट करूँगी। इंशाल्लाह आपका जो है सपोर्ट इस तरह ही रहा तो मैं आगे से आगे भी आऊँगी यहाँ पे व्लॉगिंग करने, और इससे भी आगे से आगे जो जगह आपको पसंद है आप मुझे कमेंट में बता दिएगा, वहाँ भी जाऊँगी और अपने व्लॉग्स को है शूट करूँगी। तो अभी जो यहाँ का खाना मैं देख लेती हूँ एक बार कैसा है, जो टेस्ट है। आज मैं न्यू जगह पर आई हूँ तो इस वजह से मुझे टेस्ट का ज़रा अंदाज़ा नहीं है, अगर तो टेस्ट मुझे यहाँ का पसंद आ गया तो फिर तो इंशाल्लाह बार बार यहाँ का जो है चक्कर मेरा लगता ही रहेगा, फिर तो फेवरेट जगह हो जाएगी। फेवरेट तो है, काफ़ी सुकूनदार जगह है, तो आना चाहिए था मुझे पहले, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं आई। लेकिन मस्जिद वगैरह में और आगे मीनार पाकिस्तान ऐसी जगह पे गई हूँ, लेकिन फूड स्ट्रीट में जो है मेरा आना नहीं हुआ। तो मैं पहली बार आई हूँ, तो आगे भी आपको जब वापस जाने लगूँगी तो फिर जाते जाते भी जो है सारे जो लोग नहीं आए हुए यहाँ पर उनको जाते जाते भी मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए दिखा दूँगी। तो आपने ऐसा करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इसी तरह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, कमेंट करना है, लाइक करना मेरी हर वीडियो को। तो ये शॉप है जहाँ से मैंने अपना ऑर्डर करवाया, और ये पता नहीं अभी कहाँ से जो बना रहे हैं, मुझे तो यहाँ का कोई सिस्टम जो है समझ नहीं आ रहा। तो जी गाइस यहाँ पे जो है मेरा फूड इस टाइम आ चुका है, दो जो तवा पीस मैंने यहाँ पे ऑर्डर करवाए थे। तो ये रहा मेरा फूड और अभी मिक्स में रोटी बनी हुई है, तो अभी खा के तो देखती हूँ क्या टेस्ट है। शक्ल से तो बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार लग रहा है, तो अभी खाकर भी देखती हूँ इसका क्या टेस्ट है। तो क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ, आपको वीडियो में पहले भी बताया था, तो अभी खा के देखते हैं। ये है मेरी फर्स्ट बाइट, तो अभी इसको खा के देखते हैं कि इसका क्या टेस्ट है। जो बनाया था मैंने कहा था कि भाई हमें स्पाइसी बनवा देना। स्पाइसी है फुल मसालों वाला, एकदम मज़ेदार मज़ेदार।
यहाँ पे जो मैंने अपना खाना है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो जो खाना ना जो है मैंने अपना सारा खा लिया, उसमें ये था कि इस तवा मसाला में ये बात थी कि इसके साथ ना जो मसाला था ना तवा पीस में मसाला नहीं था। वैसे हमने कहा था कि ज़रा स्पाइसी बना देना, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा और स्पाइसी बनाया था। इसके बीच में जो है ना ग्रीन चिली भी काफ़ी नज़र आ रही थी, तो अच्छा था, मज़ेदार था, खा के मज़ा आया। अभी चलते हैं आगे, और खाना जो है मैंने अपना खा लिया, डन कर लिया। यहाँ का जो खाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, स्पाइसी था, अच्छा था, मज़ा आया खा के। इंशाल्लाह आई होप कि फिर से जो है नेक्स्ट व्लॉग मैं यहाँ पर बनाऊँगी। और वहाँ पर ज़रा जो है सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, इस वजह से बस ना मैं ज़रा वीडियो थोड़ी कम ही शूट करी। मैं कहा थोड़ी सी आगे जा कर शूट करूँगी। वहाँ पे जो है कुछ लड़की, एक लड़की जो है गाना गा रही है, दूसरी लड़की उनकी वीडियो बना रही है। मैंने तो कोई गाना नहीं गाया, और वहाँ पे मैंने कहा मैं तो नहीं गा रही, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊँ कोई गाना गाऊँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आपकी कोई फरमाइश है कोई सॉन्ग वगैरह की, मैंने कहा नहीं मेरी कोई फरमाइश नहीं है कि आप मेरे सगा, बल्कि मुझे तो उल्टा ये चाहिए था कि बंद कर दो भाई मैंने वीडियो बना ली है, म्यूज़िक नहीं बंद हो रहा, मैं तो थक ही गई हूँ। उल्टा मेरे से पूछ रहे थे आपको क्या फरमाइश है, मैं कहा मेरी कोई नहीं है, बस ये है कि म्यूज़िक बंद करा दो। और वह जो लड़की है वहाँ पे राइड कर रही है, मुझे तो बहुत डर लगता है इस राइड पर, वैसे भी इतने लोग देखने वाले हैं तो मज़ा ही नहीं आता, मुझे तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। यहाँ पे भी कुछ लड़कियाँ थी जो बना रही थी वहाँ खड़े, उस पर भी बना रही थी, साइकिल पे बैठ के चला रही थी यहाँ पे सारा जहाँ पे मैं वॉक कर रही थी। लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं भी बनाऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, शर्म भी बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर जो है कठपुतली का तमाशा हो रहा है, जो पहले बहुत साल पहले हुआ करता था, मुझे तो नहीं पता ना मैंने कभी देखा है, मुझे तो शौक भी नहीं है ये सब देख। और वो भाई हैं टैटू कराने वाले, वो कोई आइसक्रीम है, और ये गोल्डन, ये पहला गोल्डन बंदा है, बंदा है जो हिलजुल भी रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए अपनी जो सारी वीडियोस बनाती हूँ, और वहाँ पे कोई स्कूप और आइसक्रीम वाला है देखती हूँ। तो अभी ये भाई हैं जो आइसक्रीम वाले, इनके पास जाते हैं खा के टेस्ट करके देखती हूँ। तो जी गाइज, यहाँ से जो है मैंने अपने लिए आइसक्रीम ली थी, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ आई हूँ तो अब थोड़ा सा ट्राई करती हूँ आइसक्रीम खा के मुझे कैसी लगती है। तो आई होप कि यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगी, और नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस हैं वो यहाँ की और भी आएंगी, इस जगह को एक्सप्लोर करूँगी। इनके पास और भी चीज़ें थी, गोलगप्पा वगैरह, वो सब भी मैं खाने के लिए ट्राई करूँगी। तो जो इनकी आइसक्रीम थी वो बहुत मज़ेदार थी। और सामने ये बादशाह मस्जिद है सारी नज़र आ रही, सामने जो है ये सारा हवेली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी जाऊँगी। क्रीम जो है मैंने अपनी खा ले ली है, तो यहाँ से कसूरी रबड़ी वगैरह यहाँ पे है सारी चीज़ें, तो ये भी है, इधर भी बनाऊँगी आऊँगी, ये सारी जगह पे भी जो है विज़िट करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे भी सारा जो सिटिंग है बैठने की, क्योंकि अभी जो मैंने खाना था वो तो मैंने खा लिया, और यहाँ पर कोई वो बादशाह टाइप का जो है, यहाँ पे जो बादशाह है कपड़े जो हैं पहन के शायद फ़ोटो शूट करवाते हैं, यहाँ पे गन से निशाना लगवाते हैं, और ये तो सच मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो जी गाइस, सारा जो है मैंने ब्लॉग अपना आज का बना लिया, तो ये थी सारी जो है मेन फूड स्ट्रीट। यहाँ पे जो है हमारा शेर, और उसके अलावा एक शेर यहाँ भी है, और ये सामने है जुनून रेस्टोरेंट, इधर भी आऊँगी, किसी दिन आऊँगी, पर अब चक्कर लगाती रहूँगी सारी जगह पे जो है मैंने अपना शूट कर लिया। तो जी गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।